मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। अब डगमग डिगमिग कायन त हुआ, अति निकट दूर का पंथ हुआ। आँखें खोला देखा कगार, सरकार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। ये गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 21 दिसंबर 2021 को भगवान राम गोस्वामी जी महाराज तथा अन्य महापुरुषों की इस भूमि पर जन्म लिए हुए आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से चित्रकूट में दर्शन का अवसर मिल रहा है। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आप घर से निकल कर यहाँ सत्संग में आ पाए, क्योंकि सत्संगों में आना इस समय बड़ा मुश्किल होता है। गृहस्थी में इस कदर आदमी फंसा हुआ है कि निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले के समय में भी लोग गृहस्थी में रहते थे, गृहस्थ धर्म का पूरा पालन करते थे, लेकिन सत्संग सुनने के लिए, भजन पूजन के लिए समय निकाल लेते थे। अब तो इस समय आदमी इस कदर दिन रात चलता रहता है कि कहीं जैसे आग लगी हो और बुझाने के लिए दौड़ा चला जा रहा हो। उसी को भूल गया कि जो सबको देता सबको खिलाता है, कौन खिलाता है? आदमी तो एक निमित्त मात्र है, देता तो वो प्रभु है। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश तो वो करता है, देता तो वो है। लेकिन आदमी ये सोचता है कि मैं नहीं करूँगा तो सब काम बिगड़ जाएगा। करना तो चाहिए, देखो ये शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए खाने का भी इंतजाम करना चाहिए, कपड़े का इंतजाम करना चाहिए, रहने के लिए घर मकान बना लेना चाहिए, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी काम कर लेना चाहिए। माता पिता हैं तो उनकी सेवा करना चाहिए, बच्चे हैं, औरत है, पति हैं तो उनके लिए भी सेवा के लिए समय निकाल लेना चाहिए। कोई भूखा भूखा आ जाए रोटी खिला देना, पानी पिला देना, यह सब तो गृहस्थ का धर्म है। लेकिन उसी में फंसे रहो और प्रभु को भूल जाओ तो ये तो समय निकल जाएगा। ये दिन रात जो आते हैं
ये क्या है? ये चूहे हैं। दिन है या सफेद चूहा है, या दिन में जो भी आपकी आयु है ये काट देंगे, और शाम जब आएगा अंधेरा होगा तो रात वाला चूहा उम्र को ही कुतरेगा, उम्र को ही खत्म करेगा, क्योंकि सबको गिन करके सांसों की पूंजी मिलती है खर्च करने के लिए। अब यह है कि जो जैसा खर्चा करता है उसकी उसी हिसाब से उम्र होती है। देखो कोई 90 साल 100 साल तक जिंदा रहता है, और कोई 40-50 साल में चला जाता है। अब तो इस समय पर 18-20 साल में भी नौजवान खत्म होने लग गए, किसी का कोई भरोसा है जिंदगी का? आदमी ने एक तरह से अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार लिया। क्यों मार लिया? तौर तरीका नहीं मालूम है रहने का, प्रकृति से भगवान से बरकत लेने का, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात कराने का तरीका ही नहीं मालूम है लोगों को, क्योंकि सत्संग नहीं मिलता है। अब आप समझो प्रेमियों कि रहो इस गृहस्थ आश्रम में, सब कुछ इंतजाम कर लो अपना, लेकिन इसमें फंसो नहीं। फंसोगे कब नहीं कि जब अपने मौत को याद रखोगे। मौत ही को तो भूल गया आदमी, प्रभु को भूल गया, मौत को भूल गया, तो अपने ही बनाए जाल में जैसे मकड़ी फंस करके खत्म हो जाती है, जाला बनाती है रहने के लिए, रहती भी है उसमें, लेकिन उस जाले से बाहर नहीं आ पाती है। ऐसे ही गृहस्थ जीवन में ही रहते हुए भी मनुष्य शरीर, जो देव दुर्लभ शरीर कहा गया, इसको पाते हुए भी और आप अपना काम नहीं बना पाओगे, दूसरों के ही काम में लगे रह जाओगे। दूसरों का काम और अपना काम क्या है? घर मकान बनाते हो, कहते हो ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है। जब आपका मकान है तो आपने उसमें दरवाजा क्यों लगा दिया? अरे उसी दरवाजे से तो एक दिन आपको लोग बाहर निकाल देंगे, और फिर अंदर आप उस दरवाजे के जा नहीं सकते हो, और न कोई अंदर ले जाएगा। मरने के बाद जब बाहर निकालते हैं तब फिर कोई अंदर ले जाता है? नहीं, कहते ले जाओ, जल्दी करो, जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस हीरा जैसी काया को मिट्टी कहने लगते हैं। अब आप ये सोचो कि जिनको आप याद हो, भगवान राम कहते हो, वो भी मनुष्य शरीर में थे, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा था। जिनको भगवान कहते हो, भगवान कृष्ण को भी शरीर छोड़ना पड़ा, भगवान बुद्ध को, भगवान परशुराम को, जितने भी आए, चाहे महात्मा हो चाहे संत हो, सबको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। जो मनुष्य शरीर में आते हैं उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। इस धरती का ये नियम है, विधान है, धरती पर जो पैर रखेगा उसको ये धरती एक दिन खाली कर देना पड़ेगा। आप समझो प्रेमियों कि इस धरती का नियम क्या है, कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है, ये निश्चित है। तो मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। आप घर मकान बनाते हो, जमीन जायदाद इकट्ठा करते हो, रुपया पैसा इकट्ठा करते हो, लेकिन सोचो जब मौत हो जाएगी तभी आपके काम कोई चीज आएगी? कुछ नहीं आएगी। तो वहाँ के लिए जहाँ इस शरीर को छोड़ के जाना है, वहाँ के बारे में तो आपको सोचते नहीं हो। ये जो शरीर को चलाती है जीवात्मा, परमात्मा की अंश है, यह एक दिन इस शरीर का साथ छोड़ देगी। अब माँ के पेट में जब थे तब जानकारी थी कि हमको पिछले जन्मों में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी,
बड़ा कष्ट मिला, नरकों में रहे, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद किए गए, जान बचाते फिरे, वो सब दृश्य दिखाई भी पड़ता है कोशिश करने पर। तब उस समय जब माँ के पेट की आग तपा रही थी, तब प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु का दर्शन होता था, उनकी झलक दिखाई पड़ती थी, उनकी रोशनी तेज प्रकाश दिखाई पड़ता था। अब आप जो बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, विश्वास कैसे करोगे? आप देख लेना, छोटा बच्चा हो कोई, दो चार दिन का, छह दिन का, एक महीने का भी हो, तो उसके सामने आप 1000 वाट का हाइड्रोजन या बल्ब जला दो, बच्चा देखता रहेगा। आप 100 वाट के बल्ब को बाहरी आंखों से देख नहीं सकते हो, चकाचौंध हो जाती हैं आंखें, कहते हो अंधेरा हो गया, लेकिन वो बच्चा देखता रहता है। तो प्रभु से प्रार्थना करता है कि निकालो निकालो, जल्दी तैयार करो, लेकिन 9 महीना तो तकलीफ माँ के पेट में झेलनी ही पड़ती है। 9 महीना से पहले कोई भी बच्चा बाहर नहीं निकल सकता है। अब आप ये समझो, उस समय पर तो प्रार्थना किया, लेकिन जब बाहर निकले तो एक काल और माया का देश बताया गया। काल और माया किसको कहते हैं? काल का ही यह सारा कुछ बनाया हुआ है, जब वो चाहते हैं तब वो सब समेट लेते हैं, कुछ नहीं बचता है। यह धरती तत्व खत्म हो जाता है, यह पानी में मिल जाता है, और पानी को आग सोख लेता है, सूरज की गर्मी सोख लेती है, और उसको हवा सोख लेता है, और ये हवा को आकाश सोख लेता है, खींच लेता है, कुछ नहीं बचता है। तो यहाँ कुछ बचेगा? 5 तत्व से ही शरीर की रचना माँ के पेट में होती है, तो मनुष्य के तो बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, जड़ और चेतन जिनको कहते हैं, ये सब खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं बचते हैं। 4 खान 84 लाख योनियां जो आए हैं, सब खत्म हो जाती हैं। आप ये समझो, जब वो खींचना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं और बनाते हैं, तो बनाने में भी उनके देर नहीं लगती है, उनको कहते हैं काल। और माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को देखो माया कहते हैं, औरतों को लोग माया कहते हैं। तो दुनिया माया की इस छाया में आनी परेशान है, औरतों के चक्कर में आदमी देखो परेशान है, रुपया पैसा के चक्कर में झूठ भी बोल रहा, बेईमानी भी कर रहा है। शरीर जो पूजा भजन के लिए मिला, इससे गुनाह भी कर दे रहा है, गलती कर बैठ रहा है, कर्मों को लाद ले रहा है इसी के पीछे। और ये माया भी नहीं, असली माया अगर मिल जाए तो वो तो खत्म नहीं होती, रहती है, ये तो माया की छाया है। रुपया पैसा को माया कहते हैं, देखो चोर चोरी करके लाता है, लेकिन रुकती नहीं है वो माया। एक दिन जीत करके कोई जुआ लाया रुपया, तो दूसरे दिन फिर हार जाता है, लेकिन जो मेहनत की कमाई होती है वो रुकती है। तो वो कहते हैं भाई ये हमारा है, हम मेहनत करके इसको बनाएं। इसीलिए उपदेश किया जाता है, बताया जाता है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो। तो ये माया की छाया, अब माया का पर्दा पड़ जाता है, वादा जाता है भूल। अब जब वादा भूल गया तो शरीर के लिए ही सब कुछ करते रह जाते हैं जीवन भर, और शरीर के सुख के लिए ही, मन को संतुष्ट करने के लिए, लाख का करोड़ हो जाए, करोड़ का अरब खरब हो जाए, अरब खरब का पूरा खजाना कुबेर का हमको मिल जाए, जिसके पास अरब खरब है वो यही सोचता रहता है और उसी के पीछे दौड़ता रहता है। एक मकान हो गया, 4 मकान हो जाए, 10 बीघा जमीन हो गई, 50 बीघा हो जाए, बस इसी में आदमी अपना समय निकाल देता है। और देखो इसको पाने में इस समय कितना रोना धोना हो रहा है, कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि जैसे
पैदा हुए तो रोए, आते समझो दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, मास्टर ने जब कहा नहीं था, पढ़ाई नहीं किया, होमवर्क नहीं पूरा किया तब रोए, लड़कों से झगड़ा हुआ तब रोए, पढ़ लिया नौकरी नहीं मिली तब रोए, नौकरी छूट गई तो रोए, शादी नहीं हो रही है तो रो रहे हैं, शादी आनी हो गई तो रो रहे हैं, जिसके लड़के नहीं हैं रो रहा है, एक लड़का हो जाता, जिसके चार लड़के हैं कहते मर जाते तो ठीक था, बस रोते ही रोते ही जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। आप ये समझो कि तोता होता है और वो जिसको आप मदार कहते हो, फल निकलता है उसमें अकवा, तो उसमें मारता है चोंच, मेहनत करके उड़ करके आता है, गर्मी के महीने में उसमें फल लगता है धूप में तपते हुए, मारता है तो क्या निकलता है, भुआ रुई। ऐसे ही आदमी लड़ते लड़ते पूरी जिंदगी, और जुआरी की तरह से आखिर में हो जाता है, जैसे जुआरी उम्मीद बहुत कुछ रखता है कि जीत करके आएंगे, ऐसे ही आदमी बहुत कुछ सोचता है कि हम जीवन में ये कर बैठेंगे और कर नहीं पाता है, बस आखिर में हाथ पैर कान सब ढीले पड़ जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। सच बात तो ये पूछो, जो भी बुढ़े आप इसमें बैठे हो, अब इस वक्त पर आप 4 घंटा बैठ नहीं सकते हो, आप मेहनत नहीं कर सकते हो, भजन पूजन उस तरह से जैसे जवानी में किया जाता है नहीं कर सकते हो, क्योंकि बुढ़ापा तो मैं भी झेल रहा हूँ, मुझको भी ये ठंडी हवा और ये पानी और ये मौसम और ये मेहनत परेशान कर देती है, क्योंकि इस समय देखो जिंदगी का किसी के कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि सुबह आदमी घर से निकले और 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाए, अकाल मृत्यु जगमा ही व्याप है, प्रजा बहुत मरे। आप समझो कि यह कलयुग का चरण चल रहा है, तो ऐसे समय में आपका समय निकल जाएगा, और आखिर में जब समय पूरा हो जाएगा तो ये जीवात्मा फंस जाए। जीवात्मा क्या है, अभी आपको बताया, परमात्मा की अंश है, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये डाल दी जाती है, और तब से बराबर रहती है जब तक ये शरीर चलता फिरता रहता है। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, आप समझो प्रेमियों, पूरे शरीर को यहाँ से चलाती है, क्योंकि ये यहाँ बैठी है इसलिए यह देव दुर्लभ शरीर बताया गया, देवताओं के अंदर वो रास्ता नहीं है, आप समझो जो आपके अंदर है कि आप स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर भी लोक है उनमें जा सकते हो, इसीलिए नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही, चारों रचर के जीव सब अन्य समझो इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, जीवात्मा उनके अंदर भी रहती है, पशु पक्षियों के अंदर भी रहती है, देखो खाते वो भी हैं, बच्चा वो भी पैदा करते हैं, खाते आप भी हो, बच्चा आप भी पैदा करते हो, टट्टी पेशाब वो भी करते हैं, टट्टी पेशाब आप भी करते हो, लेकिन उनके शरीर की बनावट अलग है। देखो सब में 5 तत्व नहीं है, जड़ जो हैं पेड़ पौधे में 1 तत्व है, उखमल होते हैं, उखमल जो मनुष्य के पसीने से पैदा होते हैं, जल के जीव हैं, और आप देखो अंडज हैं जो अंडज पैदा होते हैं, इनमें अलग अलग तत्व होते हैं। तो ये देखो 4 तत्व वाले गाय और बैल होते हैं, गाय और बैल के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, आसमान को नहीं देख सकते हैं, ऐसे पीछे नहीं देख सकते हैं, ऐसे घूम के पीछे, ऐसे जितना गर्दन आपकी घूम जाए इतना उनका नहीं घूमता है, उनकी जो जीवात्मा है यहाँ रहती है, हृदय में रहती है, यहाँ से इस शरीर को चलाती है ऊपर, और आपकी जो जीवात्मा है यहाँ बैठी है, यहाँ से पूरे शरीर को चलाती है, तो जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है, यह तकलीफ पा जाएगी। यह मनुष्य शरीर जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए मिला है,
मुक्ति और मोक्ष इसको दिलाने के लिए मिला है। शरीर का मुक्ति मोक्ष तो आप करा देते हो, कहाँ ले जाते हो? जब शरीर छूट गया, जीवात्मा निकल गई, दसों प्रकार के प्राण निकल गए, और यह कमल जो ऐसे खिले हुए हैं, इनकी पत्तियाँ ऐसे मुरझा जाती हैं, नीचे की तरफ हो जाती हैं, तो यह काम करना बंद कर देती हैं, तो ये अंग सब सुन्न हो जाते हैं। ये जो गुदा चक्र है आपका, चार दल का कमल ये मुरझा जाता है, छह दल का कमल है, 16 दल का कमल, ये सब मुरझा जाते हैं, ऐसे नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो उस वक्त पर फिर प्राण निकल जाता है, दसों प्रकार के प्राण निकल जाते हैं, जीवात्मा निकल जाती है उस समय पर। तो आप ये समझो कि शरीर से कुछ कर नहीं सकते हो, और जीवात्मा का कल्याण उद्धार शरीर के रहते रहते ही किया जा सकता है, इसको मुक्ति मोक्ष तभी दिलाया जा सकता है। तो जब प्राण निकल जाते हैं और शरीर का संचालन बंद हो जाता है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश जो पांच तत्वों से शरीर बना है, या इन पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, तब ऐसे समय पर इस मृतक शरीर को आदमी क्या करता है? ले जाता है मुक्ति धाम, जहाँ लिखा रहता है शमशान घाट पर, कहीं कहीं मुक्ति धाम लिखा रहता है, मोक्ष धाम, तो वहाँ ले जा करके जला करके चला आता है। अब मान लो कोई ले गया और जलाने में दिक्कत आ गई, तो कहता अब इनको मुक्ति दिला करके ही हम चलेंगे, घर कोई वापस नहीं लौटता है और न वापस लाश को लाता है, जला करके ही आता है। तो शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जीवात्मा ये फंस जाती है, कर्मों के अनुसार नरकों में डाल दी जाती है, मरी काटी कूटी जलाई जाती है। जो कर्म शरीर से आदमी करता है उस कर्मों की सजा मिलती है। शरीर तो यहीं छोड़ जाता है, लेकिन पिशाच का शरीर है, मनुष्य शरीर जैसा ही शरीर है, उसमें बंद करके और 86,000 जो जन ऊपर में यमपुरी है वहाँ ले जाते हैं और यमराज के सामने पेश करते हैं। यमराज के पास आपकी अच्छाई और बुराई की सारी फाइल, सारा कागज, सारा टेप उसके पास है, और उसी के आधार पर वो सजा दे देगा, उसी कर्मों के अनुसार सजा मिल जाती है। तो बहुत दिन तक नरकों में प्रेमियों रहना पड़ता है, वहाँ से छुटकारा मिलता है, तब कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू जिसको 84 कहा गया उसमें आना पड़ता है, और उसके बाद में 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद फिर इस मृत लोक में ढकेल दिया जाता है। बड़ी तकलीफ होती है पैदा होते समय, देखो बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, सभी बच्चे रोते पैदा होते हैं, जन्मते वक्त भी तकलीफ, जन्मत मरा दूसरा दुख ही कहा गया, और मरते वक्त भी तकलीफ होती है। बच्चे के कोमल बदन में ये ठंडी हवा और ये गर्म हवा इस कदर लगती है कि जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। हर युग के बच्चे को तकलीफ होती है जन्मते वक्त, और हर युग को देखो मरते समय तड़पता है। आप समझो कि ऐसे प्राण नहीं निकल जाते हैं, कोई किसी जानवर को डर देता बस मार देता है तो वो भी तड़प करके ही मरता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि रक्षा करो, सबके अंदर यही जीवात्मा है, सजा भोगने के लिए उसमें डाल दी जाती है, तो जीवों पर दया करो, कृपा करो, नहीं तो उसी की अंश सबके अंदर है, वो नाराज होकर के सजा दे देगा। कहा गया मत सता गरीब को, वो रो देगा जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। कहा गया जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, है ना, राम जरोखे बैठ कर सबका मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी वह को वैसा दे। इसीलिए तो कहा गया भाई इस शरीर को पवित्र रखो, इससे हिंसा हत्या मत करो, इस शरीर के अंदर मुर्दा मांस मत डालो, नहीं तो यह मानो मंदिर है, यह गंदा हो जाएगा। जब यह गंदा हो जाएगा कितना भी पूजा उपासना करोगे तो कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। मिट्टी और पत्थर का मंदिर देखो बना हुआ है आपके, अब उसमें अगर ले जाए कोई मुर्दा मांस डाल दे,
गंदी चीज डाल दे तो पूजा पाठ कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि जगह गंदी हो गई। और यहाँ से अगर हम भगवान को याद करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। मस्जिद में कोई डाल रहे, गिरजाघर में, गुरुद्वारा में डाल रहे, तो वहाँ कोई पाठ नहीं करेगा, प्रे नहीं करते हैं, नमाज नहीं अदा करते हैं, कहते हैं ये जगह गंदी हो गई, तो इसको तो साफ सुथरा रखना चाहिए। अरे भाई, जो भी आप पूजा पाठ करते हो, आप अक्षत चढ़ाते हो, आप धूप अगरबत्ती जलाते हो, हाथ से जलाते हो, देवता को खुश करने के लिए आप मंत्र पढ़ते हो, तो मुँह से ही तो मंत्र पढ़ते हो, तो इसी मुँह से जब मांस खाए और इस शरीर के अंदर गया, उससे खून बना, उसी से हाथ पैर आँख कान सब चलते हैं, तो इससे कैसे पूजा पाठ कबूल होगा? इसीलिए देखो, इतना यज्ञ होते हुए, इतना जप तप होते हुए, इतना पूजा पाठ होते हुए, इतना स्नान करते हुए भी आदमी दुखी है। अरे भाई, भगवान कौन है? वो दाता हैं, देवता उनको कहा गया, देने वाले हैं वो तो दुखों के दूर करने वाले हैं, दीन बंधु दीनानाथ गरीब परवर उनको कहा गया, तो वो खुश नहीं हो पाते हैं। खुश नहीं हो पाते हैं तो आपकी तकलीफ नहीं जाती है। देखो प्रेमियों, इसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग दुखी हैं, बीमारी घर से निकल नहीं रही, कोई ना कोई बीमार ही रहता है, लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है, रुपया पैसा कमाते हैं, बरकत नहीं होती है। कई लोग हैं, आप जो बुद्धिजीवी हो, तर्क वितर्क करने वाले विद्वान हो, आप अगर चैलेंज करो तो मैं बता सकता हूँ, एक दो को नहीं, 10-20-50 को बता सकता हूँ कि इनके घर में बराबर बीमारी बनी ही रहती है, रोज झगड़ा होता है, रोज। बूढ़े भले न लड़ें, जवान भले न लड़ें, लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, छी पूं लगा रहता है। देखो, घर छोड़कर आदमी भाग रहा है, औरतें जड़ के मर रही हैं। यही गृहस्थ आश्रम जो पहले स्वर्ग जैसा था, अब नर्क जैसा हो रहा है। आपको समझने की जरूरत है कि देखो, सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था, ऐसी शक्ति थी गृहस्थ आश्रम में ही। देवियों ने शक्ति आप ये समझो अर्जित कर ली थी। जहाँ भगवान राम का नाम है, सीता माता का नाम वहाँ जुड़ा हुआ है। अब आप समझो, सीता का ही उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। अनुसुईया ने जैसे कहा, एक धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पद पद प्रेमा, पति की सेवा करके ही पार हो जाती थी औरतें पहले के समय में। हनुमान जी जब उड़ करके गए अशोक वाटिका में, और सीता जी को विश्वास हो गया कि यह राम का दूत है, तो चाहती तो हनुमान जी के साथ चली आती, और जो पहाड़ उठा के ला सकता है वो सीता जी को हथेली पर से उठा करके ले आता, लेकिन नहीं आई। पति के अलावा और किसी को देखा ही नहीं उन्होंने। आप ये समझो, बहुत कोशिश किया रावण ने, एक बार बिलोक में मोरा, कहा ये कई बार मेरी तरफ देख लो, लेकिन बात भी करती थी तो त्रिधन वोट कहीं बैठे ही जिनका लगा लेती थी कि आंख से आंख उसके हमारी न मिले। अब ऐसा सतत था, जब इस तरह से था, दूसरे के धन को लोग शहर की तरह मानते थे, और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझते थे, तब आप समझो जब शरीर इस तरह का पवित्र था, और शरीर के अन्न का अन्न मेहनत और ईमानदारी का डालते थे, तब लोगों की नियत दुरुस्त थी, बुद्धि सही रहती थी, गलत काम नहीं करते थे, तो प्रकृति भी खुश रहती थी। प्रकृति के नियम के खिलाफ काम क्यों करते हैं लोग? बुद्धि खराब हो जाती है। आप देखो, जब से मांसाहार बढ़ा,
आप देखो जब से शराब जैसे नशे का सेवन बढ़ा तब से देखो अपराध बढ़ता चला जा रहा है। प्रकृति के नियम को लोग तोड़ते चले जा रहे हैं, खून के रिश्ते को तार तार कर दे रहे हैं, माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जा रही है, मार काट ये सब बढ़ता चला जा रहा है। तो आप समझो प्रेमियों कैसे शांति मिलेगी, कहाँ से शांति आए, कहाँ से वो समय आएगा कि मांगे बारी देह जल रामचंद्र के राज विरमयपुर मयू खनि रब कर जतने काज, कहाँ से वो समय आएगा कि लता बेटम मांगे बन तो वहीं मन भाव तो देहन पे दे। आप लोग पढ़ते हो रामचरित मानस पढ़ते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते हो। सही बात तो यह है उसको पढ़ो उसके अर्थ को समझो और जैसा उसमें लिखा है जिस तरह से राम ने काम किया उस तरह का जब करोगे तब तो उसका फल मिलेगा। देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है और रामायण में ही पढ़ते हो कि भाई भाई के प्रेम में जंगल चला गया था, अब भाई भाई की जमीन एक हाथ हड़पने के लिए मुकदमा लड़ रहे गाय बैल बेच दे रहे हैं। आप देखो राम ने राजगद्दी पर ठोकर मार दिया और जंगल चले गए, पिता के आदेश का पालन किया और अब ये जो फटा पैंट पहनने वाले लड़के हैं ये तो पिता को घर से बाहर ही निकाल दे रहे हैं। तो कहाँ से राम राज्य आएगा और राम के राज्य का सुख कैसे मिलेगा आपको? इसलिए इसको पढ़ो और वैसा आचरण करो, अर्थ न समझ पाओ तो संतों के पास चले जाओ, उतनी योग्यता वाले के पास चले जाओ कि जितनी योग्यता गोस्वामी जी महाराज में थी उन्होंने लिखा था वो आपको अर्थ समझा देंगे। तो प्रेमियों कहने का मतलब यह है कि जब इस शरीर को शुद्ध रखोगे और इस शरीर के अंदर कोई गंदी चीज नहीं डालोगे और अच्छे बुरे का जब आपको ज्ञान हो जाएगा और अच्छा कर्म करोगे तब दिल दिमाग बुद्धि सही रहेगी और तभी आप किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा, वरना आपका समय बेकार चला जाएगा। जो जीवन का समय है ये बेकार चला जाए। फायदा तो कुछ न कुछ मिलता है आदमी, कोई कहीं न कहीं से हर कोई जुड़ा हुआ रहता है, जहाँ जैसा माहौल होता है जहाँ जैसा बताने वाले मिलते हैं उन्हीं पर आदमी को विश्वास हो जाता है। किसी ने बता दिया पेड़ में भगवान है, किसी ने बता दिया पौधे में भगवान है, किसी ने बता दिया पत्थर में भगवान है, किसी ने बता दिया गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदी में स्नान करोगे तो भगवान मिल जाएंगे, तो आदमी को वहीं विश्वास हो जाता है। और विश्वास फलदायकम, जितना विश्वास होता है उसी हिसाब से कुछ न कुछ फल मिलता है, लेकिन वो जो फल होता है वो अस्थाई फल नहीं होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, इसीलिए झकोले खाते रहते हैं। फायदा थोड़ा सा हुआ फिर वैसे ही हो गया, फिर कर्म खराब हो गए फिर ऐसे हो। तो कर्मों को कौन रोता है? गुरु बिन मैलो मन को धोई, कपड़ा गंदा हो जाए आपका तो आप साफ कर लोगे, शरीर गंदा हो जाए आप साफ कर लोगे, गाड़ी घोड़ा गंदा हो जाए आप साफ कर लोगे, लेकिन अंतरात्मा को कैसे साफ करोगे? और अंदर अगर मैल रहेगी तो ना तो आप यानी समझो देवताओं का दर्शन पाओगे ना अपने घर की जानकारी कर पाओगे। जब अंदर में मैल को धोने वाले समर्थ गुरु मिल जाएंगे वो मदद कर देंगे तो इसी मनुष्य शरीर में ही प्रभु का दर्शन आपको हो जाए। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति संस्था व सरकार से कोई भी चंदा चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली
बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।